बुंदेलखंड के किडनी व कैंसर के रोगियों को इलाज के लिए अब दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में नहीं भागना पड़ेगा। फरीदाबाद के प्रसिद्ध सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 द्वारा झांसी में ओपीडी शुरू कर दी है। सर्वोदय हॉस्पिटल के किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तन्मय पांड्या और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु हरि अब महीने के दूसरे मंगलवार को झांसी के निर्मल हॉस्पिटल में मौजूद रहकर मरीज देखेंगे। दोनों डॉक्टर्स ने किडनी व कैंसर रोगों से बचाव की जानकारी देते हुए कहा कि सर्वोदय हॉस्पिटल में बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी है और कम कीमत में विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस मौके पर हॉस्पिटल के एरिया मैनेजर योगेश शर्मा व कार्तिक मिश्रा भी मौजूद रहे। हमारे कंट्री में किडनी डिजीज की जो मात्रा है, जो किडनी डिजीज के रोगी हैं, वो तेजी से बढ़ रहे हैं और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, और ये दो मेन कारण है जिसकी वजह से किडनी डिजीज बढ़ रही है। अनफॉर्चुनेटली किडनी डिजीज़ की जो शुरुआती स्टेजेस होते हैं उसमें पेशेंट को कोई लक्षण नहीं बनते, उनको पता नहीं चलता कि किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई है। तो जिन पेशेंट्स को किडनी की बीमारी होने का रिस्क है, जैसे मैंने अभी बताया शुगर, बीपी, स्टोन, इन्फेक्शन, ऐसे पेशेंट्स को अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। चेकअप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कराना है, किडनी के डॉक्टर के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेगुलर चेकअप कराते रहें, चेकअप बहुत सस्ता है, एक आधा ब्लड टेस्ट है, एक आधा यूरिन टेस्ट है, किसी से स्क्रीनिंग हो जाती है किडनी की डिजीज़ है कि नहीं है। अगर है तो फिर उसका इलाज किया जा सकता है, क्योंकि देखिए प्रिवेंशन करना बेटर है क्योर करने से। और किडनी डिजीज़ जब बहुत आगे बढ़ जाती है तब जाके फिर हमें डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शंस अपनाने पड़ते हैं। और जब इनकी चॉइस आती है तो जिन पेशेंट्स के पास पॉसिबिलिटी है उनको हम सजेस्ट करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट से क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वान्टिटी ऑफ लाइफ, ये दोनों चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। झांसी से प्रज्ञा राजपूत के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।